घटना मैं सुना रहा था पिछले लेक्चर में, मैंने सुनाया था एक लड़की की शादी होके आई, थोड़ी एडवांस ख्याल की थी, थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल की, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, तो वो उसकी सास कम लिखी पड़ी थी तो उसको गौर नहीं देती थी। तो दो चार दिन के बाद वो अपने बाप के पास गई और बाप से ये कहा कि मैं किसी भी कीमत पे उस ससुराल में नहीं रहना चाहती। बाप ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने तेरी शादी कर ली तो ये वहीं रहना है। बोले नहीं मैं रह ही नहीं सकती क्योंकि वो ये सास पसंद नहीं है। तो बोले सास तेरी कैसे बदल दूंगा मैं, सास तो जो है वो है, वो तो बदली नहीं जाएगी। बोले नहीं मैं वहाँ नहीं रहूँगी किसी भी कीमत पर। बोले मेरा तो बड़ी लाख कट जाएगी। तो बोले फिर क्या करूँ। बोले अगर बुढ़िया मर जाएगी, सास मेरी मर जाएगी तब मैं चली आऊँगी। बोले फिर क्या करना चाहिए। बोले उसे जहर दे दूँगा, उसे मरवा दो, फिर मैं घर बता दूँ, उस लड़के का वहीं रह लूँगा। तो बाप ने कहा ये मामला तो बड़ा ख़राब हो जाएगा, वो जाती जहर देगी और वो अगले दिन मर जाएगी और तो खिलाफ एफ आई आर हो जाएगी, बहू ने मर जाएगी। बोले कोई ऐसा जहर ला के दो मुझे जो मैं धीरे धीरे खिलाऊँ, महीने दो महीने तीन महीने में मरे हो, रोज थोड़ा सा खिला दे करूँगी तो मर जाएगी। तो वह बाप बेचारा परेशान था, बाप को घर बनाना था, तो बाप ने ला के दे दी बुढ़िया कि बेटा ये जहर देना, थोड़ा सा डाल दे करना, धीरे धीरे बुढ़िया मरेगी। लेकिन एक ख्याल रखना, एक काम करना, जब तू जहर जिस दिन से देना शुरू करे उस दिन से उस बुढ़िया की सेवा करने लगना, बात खूब टांगे दबाना, खूब से दबाना, खूब बढ़िया खिलाना, बढ़िया पिलाना, खूब सेवा करना, ताकि जब वो 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में महीने 2 महीने में मरे तो समाज के लोग ये कहें कि इतनी बढ़िया बहू थी, उसका सर भी दबाती थी, पैर भी दबाती थी, चाय भी पिलाती थी, और तो कोई तुझ पर शक नहीं करेगा। ठीक है, तो अगले दिन से उसने जैसी जहर शाम को, फिर रात को जब दूध देने जाती थी, थोड़ा सा जहर डाल के देती थी, और सुबह खाना, लो अम्मा खाना, लो अम्मा चाय, लो अम्मा खाना, लो अम्मा चाय, और बुढ़िया को गोरा कर दिया और मोटा कर दिया। 3-4-5 दिन 7 दिन के बाद ही बुढ़िया ने अपनी चाबी उठाई और उस बहू को दे दी, और जो भी आती थी उसकी सहेली उससे यही कहती थी कि मेरी जैसी बहू नहीं, मेरी जैसी बहू नहीं है, मेरी जैसी बहू नहीं है। जो बुढ़िया आधी कान लगा के सुनती थी वो कि बुढ़िया क्या बात करेगी, बोले मेरी जैसी बहू किसी की नहीं है दुनिया, चूंकि वो तो उसे सेवा करनी थी, उससे तो मर रही था, उसे सेवा करनी थी, बेहिसाब बढ़िया सेवा करती थी। अब उस बुढ़िया को, उस लड़की को बड़ी परेशानी हुई, बहू ने ये कहा कि ये मामला खराब है। बोले अम्मा मैं जरा घर होके आती हूँ। वो अपने घर गई और बाप के पैर पकड़ के ये बोली कि मेरी सास को मरना नहीं चाहिए, किसी कीमत में नहीं मरना चाहिए, क्योंकि मेरी जो सास है वो मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है, समाज में तो चारों तरफ नाम लेती है। तो बाप ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो जहर वो खा चुकी है, अब तो उसका मरना निश्चित ही निश्चित है, वो तो मरेगी मरेगी। बोले नहीं मैं उससे खोना नहीं चाहूंगी, अगर मेरी सास मर गई उसके मरते ही मैं भी मर जाऊंगी, दो जनाजे तुम्हें उठाने पड़ेंगे। बाप ने कहा इतना प्यार, सास के प्रति इतना प्यार, ऐसा कैसे डेवलप हो गया। बोले बाबूजी क्या हुआ, पहले दिन मैंने उसे बढ़िया बढ़िया रोटी खिलाई, दूसरे दिन बढ़िया दूध चाय, तो वो मेरा प्यार करने लगी। तो बाप ने ये कहा तूने जब उसको अपनी माँ समझ लिया तो उसने तुझे अपने बेटी समझ लिया, जब तक तुझे सास समझेगी बेटे तू चला जा, तू चली जाके रहना, तेरी सास नहीं मर रही।